नमस्कार, प्रतिनिधि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की आज खास मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। प्रियंका गांधी चंद्रशेखर से मुलाकात करने के लिए विशेष तौर पर अस्पताल पहुंची। कल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। कल सहारनपुर में उन्होंने एक रैली निकालने की कोशिश की थी, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ माना गया, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यहां पर आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर की अच्छी खासी पकड़ है, जिसकी वजह से कांग्रेस उन्हें साथ मिलाना चाहती है और प्रियंका का इस तरह से चंद्रशेखर को मिलना इसके पीछे का कारण माना जा रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। नौजवान को कुचलना चाहती है, ये आवाज सुनना नहीं चाहती है। नौजवानों की रोजगार तो इन्होंने दिए नहीं, अब जब आवाज ही उठा रहे हैं, उठा दीजिए, कुचलने की क्या जरूरत। क्या चंद्रशेखर नगीना से चुनाव लड़ेंगे? क्या कांग्रेस चुनाव लड़ाएगी चंद्रशेखर को? जोश पसंद क्या कांग्रेस में लॉन्ग टर्म ज्वाइन कराएंगे? ऐसे नौजवान को कांग्रेस में लाएंगे? आप इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं? मैं नहीं करती। चले जाओ। मुझे इस लड़की का संघर्ष मैं समझती हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि हम आतंकवाद मुक्त माहौल में पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान एक उदारवादी राजनेता हैं। अगर इमरान खान वाकई में उदार हैं, तो मसूद अजहर को भारत को सौंप क्यों नहीं देते? आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं कहना चाहती हूँ वजीर आजम पाकिस्तान से कि टेरर पे बात नहीं, एक्शन चाहिए। बातें तो बहुत बार हो चुकी और बातें बहुत बार रुक चुकी। हमने बहुत साफ कह रखा है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, बट वी आर रेडी टू एंगेज विद पाकिस्तान इन एन एटमोस्फियर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। आप करिए वो माहौल क्रिएट। आप कहते हैं कि आप शांति चाहते हैं, आप कहते हैं आप बातचीत चाहते हैं, आप टेरर पर बात करना चाहते हैं, और आपके यहाँ का टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद हमारे यहां पुलवामा में आके 40 बहादुर जवानों की हत्या करके चला जाता और विद इन मिनट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो लोग। और आप हैं कि आपके विदेश मंत्री कहते हैं यहां वो मसूद अजहर पाकिस्तान में है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अनवेल है, लेकिन इतना बीमार है कि घर के बाहर नहीं निकल सकता। और चंद दिन बाद आपके आर्मी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं मसूद अजहर तो पाकिस्तान में है ही नहीं। उसामिर बिन लादन भी आपके यहाँ नहीं था। कसाब कौन? कसाब कैसा कसाब? किसका कसाब? हमारा तो है ही नहीं। हर बार आप अपने आतंकवादी को लेने से मना करते हैं, उसको डिसोन करते हैं और वो पाया वहीं जाता है। और बाद में एक बयान ये भी आ गया कि मसूद अजहर ने तो जैश ए मोहम्मद ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की ही नहीं। तो कितना झूठ बोलोगे भाई? किसके सामने बोलोगे? कब तक बोलोगे? हो सकते हैं सामान्य रिश्ते पाकिस्तान से, क्यों नहीं हो सकते? लेकिन शर्त यही है, अपने आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करो और भारत के खिलाफ अपनी धरती से आतंकवादी गतिविधियां बंद करो, तब रिश्तों की, सामान्य रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहका रहे हैं? 10 दिन इंतजार किया हमने, सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि जैशे मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करो, जैशे मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करो, उन्होंने हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। 10 दिन बीत गए, 26 तारीख को एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन एयर स्ट्राइक का मैंडेट क्या था? कोई सिविलियन मरना नहीं चाहिए, कोई मिलिट्री पर्सनल हर्ट नहीं होना चाहिए, लिमिटेड टारगेट लेकर जाओ। जिस संस्था ने क्लेम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी,
पुलवामा हमले करने की, उसी जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने को नष्ट करके चले आओ। एक भी सिविलियन मारा नहीं गया, एक भी मिलिट्री पर्सनल को चोट नहीं आई, कोई आहत नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट केवल वो कैंप था। 27 तारीख को रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने। मैं पूछना चाहती हूं, किसकी तरफ से, किसकी तरफ से रिटेलिएट किया भैया? वो तो तुम्हारे खिलाफ नहीं था हमला, ना तुम्हारा कोई सिविलियन मरा, ना तुम्हारा कोई आर्मी पर्सनल जख्मी हुआ। तुम किसकी तरफ से लड़ने आए थे? जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुमने भारत के ऊपर हमला किया। तुम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पहले पनाह देते हो, उसके बाद उनकी फंडिंग करते हो, उनको शह देते हो, और जब कोई वो आतंकी हमला करते हैं तो अब उनके खिलाफ स्वयं कार्रवाई करने के बजाय अगर विक्टिम देश कार्रवाई करने के लिए आता है तो उनसे लड़ने के लिए आते हो, उन टेररिस्ट की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ जैश ए मोहम्मद। से मैं कहना चाहती हूं आप लोगों को कि पाकिस्तान के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। ये जो हमारे यहां आवाज शुरू हो जाती है ना, इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं, वो तो पीस चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं, अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को, हमें देख लेंगे हम उनकी उदारता, दे दे मसूद अजहर को। उधर चीन के अड़ंगे की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में मसूद अजहर एक बार फिर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बच गया। मसूद अजहर के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर चीन ने बुधवार को अड़ंगा लगा दिया। यहां हम आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस यूएनएससी की 1267 कमेटी से मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने के प्रस्ताव को लेकर आए थे, परंतु चीन ने एक बार फिर से उसका समर्थन करके उसे बचा लिया। आज पुलवामा आतंकी हमले को पूरा एक महीना हो गया है। इस हमले के एक महीने बाद आज अमृतसर के करीब अटारी में करतारपुर कॉरिडोर पर भारत और पाकिस्तान के अधिकारी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के अधिकारी इस कॉरिडोर पर वार्ता करेंगे और प्रोजेक्ट से जुड़ी अहम वार्ता पर चर्चा भी करेंगे। पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के बाद भारत का एक प्रतिनिधिमंडल 28 मार्च को इस्लामाबाद जाएगा। तो ये थे अभी तक के समाचार। चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और देखते रहिए प्रतिनिधि न्यूज़। नमस्कार।